6535 के सिस्टम से और भी पारदर्शिता आएगी पब्लिक सर्विस कमीशन में। ये कहना है पूर्व में रहे प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अतिरिक्त सचिव बीआर कौंडल का। उन्होंने कहा कि कमीशन के चेयरमैन की इस पहल को तरजीह मिलने के बजाय इसे स्थगित कर टालने का प्रपंच रचा जा रहा है, क्योंकि इस सिस्टम में लिखित परीक्षा के अंक जुड़ने से टॉपर बाहर नहीं हो पाएंगे। इसे स्थगित करने की वजह यह भी है कि इसके बाद राजनीतिक दलल खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सर क्वेश्चन ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है ये 65 और 35 अंकों का जो प्रावधान करने की कोशिश की गई थी, सरकार ने उसे स्थगित कर दिया है, तो आप भी एडिशनल चीफ एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो आप क्या मानते हैं कि ये सरकार का क्या इसमें रोल रहा? वर्तमान सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, ये सभी सरकारों का डाला हुआ गंध है। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये नाम की तो संवैधानिक संस्था बनाई है और इसको ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये चलती सरकार की चाबी से है। सचिवालय से जो चाबी लगाई जाती है उसी के आधार पर कमीशन में काम होता है। ये जो 65 और 35 का मुद्दा है ये आज के जो माननीय अध्यक्ष हैं कमीशन के, शायद उनके दिमाग की उपज थी है कि ताकि बच्चों के साथ अन्याय न हो और जो रिटर्न में अच्छे मार्क्स लेते हैं, इंटरव्यू में जिनको बाहर कर दिया जाता है, उनके साथ न्याय हो, इसलिए उन्होंने 65 नंबर जो है 100 में से और 35 मार्क्स की जो साक्षात्कार है उसको रखा था ताकि दोनों को मिलाकर उसका रिजल्ट निकाला जाए। लेकिन क्योंकि ये हमारे माननीयों को एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो अगर उनको इंटरव्यू में 10 मार्क्स भी देंगे तभी निकल जाएंगे, और ऐसा ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जो लिस्ट हमारे से आती है उस लिस्ट के अनुरूप जो है सिलेक्शन की जाए, तो ये बहुत घातक है और इसका खामियाजा अब सरकार को भुगतना पड़ेगा अगर इस नोटिफिकेशन को वापस किया गया। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से देवेंद्र गुप्ता।